हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, बेस्ड ऑन के जहां पे भी आप हमें देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आज की हमारी गेस्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस करते हुए। तो जैसा कि आपने इंट्रो और प्रोमो देख लिया है कि आज की हमारी गेस्ट जो है वो मशरूम लेडी हैं, मिस दिव्या रावत हैं, इंडिया से है आपका तल्लक, और इन्होंने गुज़श्ता 8-10 साल में मशरूम इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है। और इनकी जो सलाहियतें हैं, उनका जो लोहा है, वो इनकी गवर्नमेंट ने भी माना है और इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिसिएशन और प्राइजेस वगैरह दिए गए हैं। तो 7 से 8 साल मेरा ख्याल है अरसे में इन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की है। और आज हम बात करेंगे इनके इसके सफर के बारे में कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। एक एनजीओ में मेरे ख्याल में ये काम करती थी, फिर वहां से इन्होंने मशरूम की जर्नी शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग से इनका सफर शुरू हुआ। फिर इन्होंने अब अपनी ब्रांड ब्रांड की बनाई और अब इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है। तो जी मिस दिव्या रावत, बहुत शुक्रिया। पहले थोड़ा सा आपका तारुफ मैंने करवा दिया है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा करवा दें कि आपका सफर कहाँ से थैंक यू शुरू हुआ। सो मच, आपने मुझे आज इनवाइट किया इस लाइव सेशन में। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू। या जी तो अपना जी अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ा और क्या पढ़ा, और शुरू में आपने कोई एनजीओ वगैरह में जॉब कर रही थी, तो उसके बारे में बताएं और कैसे आपने स्विच किया मशरूम की तरफ। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो उत्तराखंड, यहाँ का एक स्टेट है इंडिया में, वहाँ से, वहाँ पे कैपिटल है उसका देहरादून। तो मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग करी है। स्कूलिंग करने के बाद फर्दर मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क में आगे पढ़ाई करा दिल्ली में जाके। इसके साथ जब मैं वहां पे थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो युवा हैं वहां पे, जो यूथ हैं, वो पलायन यानी कि माइग्रेट करके आपका मेट्रो सिटीज की तरफ जा रहे हैं, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ 4 to 5 thousand rupees। क्योंकि क्या है कि जो रूरल पार्ट है यहाँ पे इंडिया में, वहां पे लाइक उत्तराखंड में ही अपना जहाँ पे हिमालयाज है, पूरा विलेज है, दे डोंट हैव एज सच कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनके पास हो पाए। एग्रीकल्चर भी इतना अप टू द मार्क नहीं रह पा रहा है कि उनसे उन उनसे वो अपना रोजगार कुछ बना सके। देन आफ्टर क्या हुआ कि मैंने जब वहां पर इतना कुछ देखा तो मुझे लगा कि जब मैं इतना सोशल वर्क दिल्ली में रह के कर रही हूँ, बिकॉज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था, एनजीओ के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो हमेशा से ये लगा कि जब मैं दिल्ली में रह के इतना कुछ काम कर रही हूँ तो क्यों ना अपने गाँव, अपने घर यानी कि उत्तराखंड जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ इंडिया में, वहां वापस जाऊं और आई मस्ट डू समथिंग फॉर दोज पीपल। सो आई केम बैक हियर इन 2013। 2013 से मैंने इस काम की शुरुआत करी है। और जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि जो अगर मुझे कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो वो जो भी मुझे टॉपिक चूज करना है, मैंने लाइवलीहुड सेलेक्ट किया, क्योंकि लाइवलीहुड मिलेगा तभी माइग्रेशन रुकेगा। और उसमें फार्मिंग इसलिए बिकॉज फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। हम जाके गांव में, विलेजेस में जाके हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर चलाना सीखे, आप आईटी इंडस्ट्री, जो जहां से होता है, वी हैव टू थिंक कि एग्रीकल्चर में इतना, फार्मिंग में इतनी कुछ चीजें, तो क्यों ना फार्मिंग को ही लोगों को, सबको बताया जाए, सिखाया जाए, जब हम सबके पार्ट है, हमारा, हम सबका कल्चर का एक हिस्सा है फार्मिंग। सो आई केम बैक हियर। तो फिर मैंने मशरूम को इसलिए चुना बिकॉज मैंने मार्केट सर्वे किया, मैंने जाना कि जो मशरूम है वो इतना क्या चीज है, मुझे कौन सी चीज उगानी चाहिए। जो वेजिटेबल मार्केट होता है वहां जाके मैंने सर्वे किया प्रॉपर होलसेल मार्केट में। देन आई गॉट कि जो मशरूम के जो रेट्स हैं कम से कम 100 रुपए पर केजी हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे कि कहाँ हम लोग आलू प्याज बेच रहे हैं 5-10 रुपए किलो, 10 रुपए में भी हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह हमें क्या रेट मिल गए हैं, और कहाँ ये सही मशरूम मिनिमम 100 रुपए किलो बिक रही है। मैंने कहा मुझे कुछ ना कुछ, जो फार्मर्स इतनी मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो कि जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा बचे। इसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली इसकी। तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ मुझे पता चला कि मशरूम जो है वो जल, जमीन, जलवायु की खेती नहीं है, सही ना? ये हमारे अलग अलग स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता कि सर्दी में कुछ और उगेगा, गर्मी में कुछ और लगेगा। नहीं, मशरूम को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है टेम्परेचर, तापमान।
तो जैसा तापमान वैसी मशरूम हम लोग पूरे साल लगा सकते हैं। इट मीन्स साल के 365 दिन, 365 डेज हम लोग मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो तो दिक्कत हमें आई वो थी वाइल्ड एनिमल्स की, जंगली जानवर की। जैसा हिमालय जो पहाड़ है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पे जंगली सुअर और आपका जो मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो सारी की सारी जो क्रॉप है वो खराब कर देते हैं। तो फिर ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मशरूम जो है वो कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, इट्स इंडोर कल्टीवेशन। तो जब आप कमरे के अंदर आप इसको कर रहे हैं तो बाहर के जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म आर क्रॉप। तो ये भी सारी चीजें अच्छी लगी मुझे इसके बारे में। तो ऐसे करके देन आई डिसाइडेड आई स्टार्ट विद मशरूम्स, और अब धीरे धीरे करके अब 15,000 से भी ज्यादा किसान इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाह, शुरू में जो ली थी वो कहाँ से ली थी, और इसमें आपका कोई मेंटोर था या कि आप अपनी मेहनत से ही वो मकाम और रास्ते मिलते गए, मकाम बनता गया और आगे से आगे फिर वो क्या कहते हैं राही और वो सारा काफला चलता गया। कि आपने 15,000 बताया तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट फिगर है, और डेफिनेटली क्वांटिटी भी आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होंगी। जी, इसमें क्या है, मैंने जो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग ली है उत्तराखंड स्टेट में, हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसी का मशरूम ऑफिस भी है। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मशरूम ऑफिस एग्जिस्ट करता है। तो पहले सबसे पहले उत्तराखंड का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैंने वहां से मशरूम ट्रेनिंग ली है मशरूम ऑफिस से। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है यहाँ सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया, और काम के साथ साथ मैंने फिर थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऐसे जाके अलग अलग कंट्रीज में जाके मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली और अपने आप को टेक्निकली साउंड किया। माइसिलिया में मुझे लगता है कि आप गई हैं, बेल्जियम में माइसिलिया में गई हैं आप, जी कैस्पर, जी 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 मैं वाइसीलिया भी गई हूँ। जी मिस्टर कैस्पर के पास। जी बिल्कुल सही है, ठीक हो जी जी गया, जबरदस्त। जी अच्छा, तो इसमें शुरू में आपको कोई मुश्किलात भी आई कि जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, क्योंकि मशरूम ग्रोइंग जो है ये एक थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा है कि इसमें अगर वो क्या कहते हैं डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन हो जाए या कोई प्रॉपर जी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ना हो तो इसमें ग्रोअर्स को प्रॉब्लम आते हैं और फिर वो उनका लॉस हो जाता है। तो फिर आपको कोई मुश्किलात आई आपके सफर के शुरू में, और आपने फिर उसको कैसे हल किया? टेक्निकल इश्यूज तो आते रहते थे पहले, और इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे टेक्निकल इश्यूज आते जाएंगे हम उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया तो वो ट्रेनिंग एक लेवल तक मेरे लिए सही थी, पर जिस तरीके से मैं आगे अपना काम बढ़ा रही थी, क्योंकि व्हाट आई हैव डन हियर, मशरूम कल्टीवेशन तो पहले से हो रहा है बट इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा था, कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, 4 से 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर आप मशरूम लगा रहे हैं। मशरूम फार्मिंग को कभी कोई समझ नहीं पाया कि मशरूम फार्मिंग कैसे की जाती है। तो जब मैं अलग अलग कंट्रीज गई एंड आई केम बैक हियर, मैंने उसी चीज को बहुत सिंपल बनाया, सिंपल, साधारण, आसान, कि आप 4-5 करोड़ नहीं, 5-10 हजार रुपए में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज मेरे पास मुझे आया था जिसको ओवरकम किया, एंड आई मेड इट दिस मशरूम कल्टीवेशन वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर द पीपल, सो दैट कि किसान जो है वो भी इससे अपना रोजगार का साधन अपनाए। हमारे पास कितने, 5 10 बाय 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा खाली है, एक कमरा दो कमरा खाली, आप उसे मशरूम लगाइए, 5 से 10 हजार रुपए आप आराम से कमा सकते हैं उसके अंदर। अपने आप ही आप रिटेल में जाके सब्जी वालों को मशरूम बेच सकते हैं, और इसी तरीके से 5-10 हजार रुपए इजीली आप मशरूम से मंथली अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें क्या था कि किसानों के लिए जो मॉडल बनाया है जिसमें कि वो बहुत इजीली कमरे के अंदर लगा सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्क्रीट का कमरा खाली है तो चलेगा, अगर कमरा खाली नहीं तो फूस, जिसे थैश रूफ कहते हैं ना, फूस की झोपड़ी, हाँ कच्ची जी मिट्टी का मकान या कोई झोपड़ी बिल्कुल, हो गई, पैडी स्ट्रॉ पुराल से झोपड़ी बना दिया, तो इसी तरीके से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उससे एक कमरा बनाओ। इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेशन का मतलब ये नहीं कि वो ईंट, बजरी या पत्थर से बना हुआ कॉन्क्रीट का एक स्ट्रक्चर हो जो कि बहुत कॉस्टली होता है, आप मिट्टी से बनाइए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पुराने जमाने में जिस तरीके से किया जाता था उनको यूज करिए, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और हर कोई मशरूम ग्रो कर सकता है फिर।
अच्छा, इसमें आपने इंस्टॉलेशन की बात की, तो हम पॉलीथीन से भी तो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ना, जैसे नॉर्मली करते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, कई दफा घरों में लोग करते हैं। पॉलिथीन से इंसुलेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज इंसुलेशन का मतलब है जो टेम्परेचर बाहर है, मतलब अगर मतलब जो टेम्परेचर हमारे रूम के अंदर है वो मेंटेन रहे। अगर एकदम से गर्म हो रहा है बाहर, तो अंदर अंदर एकदम से गर्म नहीं होना चाहिए, और बाहर एकदम से डाउन हो रहा है तो अंदर एकदम से डाउन नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। तो बाहर की जो फ्लक्चुएशंस है वो अंदर नहीं आनी चाहिए। सही। तो जी, इसके लिए आपने कोई मैनुअल को बुक लिखी हुई है? जो ट्रेनिंग तो मैं आपकी देखता हूँ फेसबुक पे भी, और हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो बात आ जाती है कि सारे छलांग बड़ी लगाते हैं कि शुरू में 1 करोड़ 2 करोड़, और फिर बाद में वो प्रॉब्लम होती है और फिर डिसआउट हो जाते हैं। तो इस हवाले से आपसे रब्ता करूंगा मैं, कि ट्रेनिंग सेशन आपसे मिलकर कोई ऑर्गेनाइज कर लेंगे ऑनलाइन, और फिर जो है फर्दर इस पे बात हम करते हैं बाद में। अच्छा, इसमें आप ने कहा कि आपने इस तरह शुरू किया, लो इन्वेस्टमेंट 5,000 से हम कर सकते हैं, और ट्रेनिंग का आपने बताया कि वो इजी है, आपने उसको काफी इजी किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से सक्सेस फैक्टर हैं? जैसे मार्केट का आपने कहा कि किसान जो है जाके बेच सकते हैं, या रेस्टोरेंट्स को हम बेच सकते हैं, तो इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? जो लोग कामयाब हुए हैं आपके साथ, उनमें क्या चीज थी, और जो नहीं कामयाब हुए उनमें क्या फर्क आपने देखा, कि जो लोग कामयाब हुए हैं उनमें क्या खास बात थी? एक्चुअली क्या है इसमें, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट कि हम लोग किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे में बहुत कोई खास बात है जिसके लिए दिव्या रावत आज कामयाब है, आज वो सक्सेसफुल है, और जिन्होंने इस काम को शुरू किया उनमें कुछ खास नहीं था इसलिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इट्स नॉट अबाउट समथिंग, इट्स नॉट अबाउट दिस। हम भी सब लोगों की तरह हैं, हम लोग भी उन लोगों को भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी नींद आती है, उनको भी नींद आती है, उनको स्ट्रेस होता है, हमको भी स्ट्रेस होता है, सबको। इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल थिंग, लाइक जो है वो है। तो बस एक ये चीज है कि वी आर नॉर्मल पीपल, वी आर नॉट एलियंस, आप समझ रहे हैं ना। बट जी हम लोग बिल्कुल, मैं को समझ बिल्कुल, हम लोग वही हैं जो वो है, हम अलग नहीं है। डिफरेंस जो हमको चीज बनाती है वो आप समझिए कि कोई भी काम की शुरुआत करना बहुत आसान है। आज कुछ भी चीज आपने स्टार्ट कर लिया, आज आपने कुछ भी ओपन कर लिया, कुछ भी कर लिया, स्टार्ट करना ना सबसे ज्यादा साधारण और आसान होता है मेरे हिसाब से। स्टार्ट होने के बाद उसी चीज को कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सही बात है। कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करना इज वेरी डिफिकल्ट, और पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारा पेशेंस है, हमारा हार्ड वर्क है, और कहीं ना कहीं हम एलियन नहीं है, हम वही हैं जो बाकी सब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बट एक चीज जो हमें खास बनाती है वो ये है कि हम कभी गिव अप नहीं करते, वी डोंट लाइक हार नहीं मानते, हम कभी अपना उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, हम लगे रहते हैं आज नहीं तो कल मिलेगा, होगा होगा होगा। तो एक ये बात होती है कि हम गिव अप नहीं करते हैं। गिव अप करने से क्या होगा, हमको हमारे अंदर एक हैबिट बन जाएगी ना छोड़ देने की, गिव अप करने की, क्विट कर देने की। तो आज अगर दिव्या रावत आज से 9 साल पहले अगर मशरूम का काम क्विट कर देती, क्योंकि चैलेंज तो आते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी काम शुरू करेंगे, मशरूम क्या आप कबाड़े का या आप सोने का काम करोगे, उसमें भी चैलेंज है, चैलेंज इज एवरीवेयर, नथिंग इज ईजी इन दिस लाइफ। बट फिर क्या होता है कि अगर मैं आज से 9 साल बाद गिव अप पहले गिव अप कर देती और मैं फिर एक नया काम शुरू करती, तभी मेरे को वो नया काम भी तभी सक्सेसफुल होता जब मैं गिव अप नहीं करती, या गिव अप करने की आदत पड़ जाती तो मैं आज तक 9 सालों में 9 बार गिव अप कर चुकी होती। तो इट्स नॉट अबाउट, इट्स डजंट मैटर कि हम हमारी उम्र क्या है, हम 15 साल के हैं, हम 25 साल के, हम 30 के, हम 60 के हैं या 70 के, डजंट मैटर एट ऑल। हमारे अंदर जो हमारी बेसिक हैबिट हो कि हमें गिव अप नहीं करना है, दैट इज द की जो हमें आगे सक्सेसफुली लाइफ में लेके बढ़ती है। तो वो तो आपने बड़ा अच्छा इसको एलोबरेट किया, लेकिन ये है कि ये सारी बातें आपने खुद सीखी, या आपका कोई मेंटर है या कोई कोच है जो आपको बताता है, सिखाता है? ओके, डोंट गिव अप, ओके, जो क्लैप क्लैप, डेफिनेटली जब आप सक्सेसफुल एक्चुअली
सक्सेसफुल होते हैं तो फिर तो हजारों लोग आपके लिए क्लैप करते हैं, लेकिन जब आप फेलियर होते हैं तो फिर आपको एक दो बंदे की जरूरत होती है जो उस वक्त आपको वो टैप करे, थपकी लगाए, नो नो मैं डोंट आपको बिलीव। बताती हूँ, ये लाइनें एक्सपीरियंस के बाद निकलती है। मुझे पता है, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि आपका तो एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, लेकिन यह है कि एक्सपीरियंस तो फिर नाकामियों से हासिल होता है, और कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे सफर को आसान बनाते हैं। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो बंदा कौन है, वो कहते हैं ना मैन बिहाइंड द सक्सेस, नॉर्मली कहते हैं कि कामयाबी मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि हु इज दैट पर्सन। मैं एक यूनिक एग्जाम्पल दूंगी। सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का होता है हाथ होता है, औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। पर आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के कि मेरी सक्सेस के पीछे हम सब, मतलब मेरे भाई बहनों का हाथ है। ओके, ये टीम वर्क है, जबरदस्त। वी आर एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स, वी वर्क टुगेदर, वी एंजॉय टुगेदर, वी फाइट लाइक अ सिबलिंग। जैसे आप नॉर्मल भाई बहन लड़ते हैं, हमारी तो काम के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। सही क्योंकि अलग अलग सही, थॉट्स है। मैं आई एम लाइक आई एम 32 इयर्स ओल्ड, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सबसे बड़ी बहन इज 47। तो तब ओके। तक छोटे बड़े में और भी मिडिल एज के लोग आते हैं, मतलब बुढ़े होने लगे हैं, बट स्टिल वी आर फाइटिंग। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे नहीं ऐसा। तो भाई बहनों के बीच में अभी भी वो प्यार बरकरार है। मैंने इस काम की शुरुआत करी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपने स्टेट का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने लोगों का, मीडिया का भी, सबका सपोर्ट मिला। बट जब धीरे 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 करके काम आगे बढ़ने लगा, तो भाई बहन तो मेरे से कनेक्टेड थे ही, बट जब इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगा, तो उन्होंने अपने अपने काम छोड़े और मुझे ज्वाइन किया, और आज वो मेरे लिए सबसे बड़े पिलर जबरदस्त जबरदस्त, तो हैं। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपने कहा कि 15,000 फार्मर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रोड्यूस जो है आप खुद परचेज करती हैं, या वो क्या कैसे कर रही हैं सारा मैनेज, कि जी अगर कोई। काफियों की प्रोड्यूस मैं परचेज करती हूँ, काफी अपना प्रोड्यूस खुद से भी बेच देते हैं, डिपेंड करता है। अगर देखिए, मेरे से 15,000 फार्मर ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है। मेरे स्टेट में मेरे साथ जो कनेक्टेड है वो करीबन 9 से 10 हजार के बीच में है उत्तराखंड में। बाकी 5 हजार जो है वो और स्टेट से हैं, बिकॉज मेरे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं मशरूम की खेती को सीखने के लिए। तो ऑल अक्रॉस इंडिया से ये सारे ग्रोवर्स जुड़े हुए हैं। तो इनमें काफी कुछ ऐसे हैं जो हमको मशरूम देते हैं, और काफी कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने अभी अपना खुद का मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करे हैं। मैंने अभी अपना यहाँ पे देहरादून में एक सबसे पॉश एरिया है यहाँ पे राजपुर रोड, वहां पे आई स्टार्टेड माई फाइन डाइन रेस्टोरेंट विद रिटेल आउटलेट एंड विद सुपर बार एंड ऑल दैट। सो इसमें क्या है कि लोगों को सीखने को मिल रहा है कि ऐसा भी होता है, प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ग्रोवर्स हैं वो मुझे कॉपी करते हैं, वो मेरे से समझते हैं चीजें कि उनको कैसे करना चाहिए। कॉपी नहीं, सीखते हैं एक्चुअली। मैं उनको खुद सिखाती भी हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ इन सब चीजों की। तो काफी तो ग्रोवर्स अपने आप से भी अपना सारा प्रोड्यूस सेल कर देते हैं। बाकी जो उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत सारे किसान है जो उसको ग्रो कर रहे हैं, मैं उनकी मशरूम खरीद रही हूँ और अपने इस रेस्टोरेंट में मशरूम की डिफरेंट डिफरेंट डिलीशियस रेसिपीज अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसमें यह है कि आप सिर्फ लोकल मार्केट को सर्व कर रही हैं, या इंटरनेशनल मार्केट को भी आप कर रही हैं टैकल? मैंने 2-3 बार एक्सपोर्ट किया है, बट प्रोड्यूस हम पे इतना बच नहीं पा रहा है जो हम एक्सपोर्ट कर पाए। हम अभी नेशनल मार्केट को कवर करते हैं, काफी सारी कंपनीज को हम लोग होलसेल में अपनी मशरूम्स बेच रहे थे है। बट इसके अलावा जब इतना बड़ा नाम और फार्मर्स का इतना सपोर्ट आ गया है कि फार्मर्स का ब्रांड है मशरूम, मशरूम के साथ दिव्या रावत, तो क्यों ना इसको इनकैश किया जाए। फार्मर्स के ब्रांड को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यही एक कारण है जो कि मैं बीच मार्केट में आकर अब अपना खुद का रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट मैंने शुरू किया है। जी जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज आता है कि अगर इंटरेस्टेड बंदे जो इंडिया से तो चले, आपको पर्सनली लोग आके आपके स्टेशन पे ट्रेनिंग कर लेंगे, तो जो मतलब पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश हो गया, या और एशियन कंट्री से अगर आप से सीखना चाहें, तो क्या कोई ऑनलाइन कोर्सेज आप अरेंज करती हैं, या ऑन स्पॉट? मैंने अभी तक कभी भी कोई ऑनलाइन कोर्स अरेंज नहीं किया है, बट अगर आप चाहते हैं कि सभी को मशरूम के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, तो आप एक ग्रुप कनेक्ट करिए और उसमें हम एक पूरा एक सिलेबस बनाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का।
तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगी, और इट्स अ फर्स्ट टाइम कि मैं चाहती हूँ कि सारी मशरूम की जानकारी फैले, और इतने दूर से अलग अलग कंट्रीज से सब लोग हैं, इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि वो अभी इस वक्त और इस कभी भी मतलब आप आए इतना दूर। तो काफी सारी तो आपको मेरी यूट्यूब में वीडियोज मिल जाएंगी मशरूम रेडी दिव्या रावत की, मशरूम की खेती कैसे करी जाती है, बहुत वीडियोज डाली है। बट अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए और इतने ग्रुप ऑफ पीपल है, तो डेफिनेटली आई लव टू गिव ऑल दैट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसका मैं कोई करूंगा ऑर्गेनाइज, तो फिर आपसे ना पैचअप करूंगा टाइम का और डेट का। पहले तो लोगों का देखूंगा जो इंटरेस्टेड जो है, डेफिनेटली इस सेशन के बाद भी काफी लोग जो है वो इंटरेस्टेड होंगे लर्न करने के बारे में, क्योंकि हर जो भी कोई सीखना चाहता है वो ये देखना चाहता है कि जो बंदा कर रहा है क्या वो खुद सक्सेसफुल है कि नहीं। तो वो तो उनको इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद आइडिया हो गया है कि ये प्रूवन है फैक्ट्स, ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है कि जी ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यू हैव मेड इट हैपन, सो यू कैन। देखें बिजनेस में यही होता है कि एक बंदा कामयाब होता है, फिर उसके बाद वो पता है आपको चेन बनती है ना, एक से दो, दो से चार, इसी तरह ही होता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बात बात करूंगा आपसे। अच्छा इसमें ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट की आपने बात की, तो नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर मुख्तलिफ वैरायटीज जो हैं वो सेल हो रही हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को करने में तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगी कि वो स्टार्ट कहाँ से ले। कि देखिए एक हम दो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं इस सवाल को। एक वो बंदा है या वो लेडीज हैं जिनका कोई ज़राअत से, एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, उनके घर में वो रूरल एरियाज में भी नहीं रह रही, वो अर्बन एरियाज में रह रही हैं, उनके घर में एक आध कमरा एक्स्ट्रा है, जैसा कि हमने शुरू में किया डिस्कस के एक कमरे में भी आप 4-5 हज़ार से भी कर सकते हैं। तो एक तो वो लोग हो गए जिनके पास जगह है, रिसोर्सेज है, लेकिन एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं। दूसरा वो हो गए कि जिनके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज है लेकिन फाइनेंसिस नहीं है, पैसे कम है। और तीसरे वो हो गए जो इसको बिजनेस लेवल पे करना चाहते हैं। तो इसको तीन हिस्सों में काइंडली इसका जवाब दीजिएगा कि स्टार्ट कैसे किया जाए। एक वो जो कि तीनों में अर्बन एरिया। पॉसिबल है, जी तीनों में पॉसिबल है ये करना, इट्स तो कैसे पॉसिबल। करें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो मैंने बिजनेस मॉडल बनाया है उसमें देखिए, दो दो मशरूम की खेती को करने के तरीके होते हैं, एक होता है कंट्रोल कंडीशन, एक होता है नेचुरल कंडीशन। मशरूम तापमान की खेती है तो कंट्रोल कंडीशन में क्या करते हैं, एक मशरूम के हिसाब से पूरे साल एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे ठीक हो बटन गया। मशरूम की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, गोल गोल व्हाइट व्हाइट मशरूम जो बटन मशरूम होती है, तो उसमें कम से कम एक छोटी फैक्ट्री को भी लगाने में आपका 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो उसमें इतनी हैवी मशीनरीज वगैरह लगती हैं, और पूरे साल वो 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात पूरे साल वो बटन मशरूम को ग्रो करते हैं। बट मेरा जो मेथड है वो है नेचुरल कल्टीवेशन। नेचुरल कल्टीवेशन में हम मौसम टेम्परेचर वेदर के हिसाब से अलग अलग वैरायटी लगाते हैं, मशरूम के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन नहीं करके रखते हम। तो इसमें क्या है कि अलग अलग वेदर जैसे आगे होता रहता है, गर्मियों में गर्मियों की मशरूम लगाते हैं जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में ग्रो होती है मिल्की, सर्दियों में ऑयस्टर या बटन, और उसके अलावा या मॉडरेट टेम्परेचर में ऑयस्टर मशरूम जो कि 15, 20 या 25 डिग्री सेल्सियस में सारी मशरूम्स ग्रो हो जाती हैं। तो जो बेस्ट पार्ट है इस मेथड का, नेचुरल कल्टीवेशन का जो मैं कर रही हूं, उसमें यह है कि आपका आप 5-10 हजार रुपए से भी इसको शुरू कर सकते हैं, और 5-10 हजार के अलावा आप जैसे जैसे आप अपना काम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या करोड़ या कितने हजार करोड़ आप कर सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इस नेचुरल मेथड का है कि बहुत स्मॉल स्केल से भी आप इसको कर सकते हैं। आपको इसको आगे रेप्लीकेट करना है तो आपको उतने कमरे और उतने सारे मशरूम के प्रोडक्ट्स मतलब सप्लीमेंट्स खरीदने होंगे, तो इट्स अ बेस्ट थिंग। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हाउस वाइफ्स हैं या जो गर्ल्स हैं जो कि अपनी पॉकेट मनी के लिए शुरू कर सकती हैं और टेक्निकलिटीज भी कम हैं और जा सकता है। और जहां तक बिजनेस की बात है वो आपने बता दिया। तो अच्छा इसमें जो कार्डिसेप है या जो ट्री मशरूम्स हैं वो तो फिर एक्सपर्ट थोड़े से एडवांस लेवल पे होगा। आपको ट्री मशरूम जैसे कार्डिसेप तो खैर लैब में होगी, ट्री मशरूम्स जैसे मुझे नाम भूल रहा है, ट्री मशरूम्स जो भी है इसमें कुछ आप कर रही हैं। कौन सा ट्री मशरूम्स?
ट्री मशरूम्स इसमें काफी सारे हैं, मुझे अब नाम तो इंडिपेंडेंटली नहीं आ अच्छा रही अच्छा गैनोडर्मा शिटाके आप उसकी बात कर रहे हैं? और इस हाँ, तरह जो ट्रीज वो। पे ग्रो करती हैं। जी, हम लोग सारी ग्रो कर रहे हैं। कॉर्डिसेप तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, पर शिटाके, गैनोडर्मा, ऑयस्टर, मिल्की भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बटन भी हम लोग ग्रो करते हैं। तो ऑल वेराइटीज, हम लोग आज के डेट में 20 से 25 वेराइटीज ग्रो कर रहे हैं मशरूम्स की। सही, तो इसमें सारी आ जाती हैं जो नॉर्मल हैं, तो हो जी गया। और स्पान जो है वो खुद ग्रो कर रही हैं या शुरू में आपने किसी से लिया, या इसके लिए क्या आपका प्रोसीजर है? फार्मर्स को जो आप प्रोवाइड करती हैं वो अपनी ग्राउंड? स्पॉन, जी 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 स्पॉन मैंने शुरुआत में 1-2 साल बाहर लैब से खरीदा था, बट 2016 से मैंने अपनी लैब खुद ही स्टार्ट कर दी है। तो स्पॉन मैं खुद से ही बनाती हूँ और अपना खुद का बनाया हुआ स्पॉन यूज करती हूँ। और काफी जितने भी मेरे साथ जितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनको मैं स्पॉन प्रोवाइड करवाती हूँ, हम लोग स्पॉन उनको सप्लाई करते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो क्वालिटी के इश्यूज हैं या जो नॉर्मली अगर हम जनरल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ जाते हैं या बीओ की बात आ जाती है, तो इस हवाले से आपकी जो लोकल अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी, उनकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं आपको लेना पड़ता या सिंपली ऐसे ही आप कर लेते हैं? नहीं, अगर हम लोग फ्रेश मशरूम बेच रहे हैं तो हमें कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर हम उसको ड्राई कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ड्राई करते हैं, या तो उसको सन ड्राई करते हैं, या ओवन ड्राई करते हैं, या सोलर ड्राई करते हैं, जिस वजह से उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 1 साल हो जाती है मशरूम की। और हम उसका चटनी, अचार या कोई भी बाय प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमको FSSAI लाइसेंस लेना होता है। इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके जो फूड सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं उसके अंडर ये FSSAI लाइसेंस आता है। एंड वी फॉलो ईच एंड एवरी रेगुलेशंस अंडर FSSAI। और अपने किसानों को भी मैं सिखाती हूँ वो फॉलो करना। मॉडर्न फार्मर्स है, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स है, सारे गांव की महिलाएं भी मेरी, जितनी भी विमेन है विलेज में, जितनी भी काम करे, इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल कि ये नहीं हो सकता। शुरुआत में थोड़ा सा समझना होता, उसके बाद तो हैबिट हो जाता है सारा, सारे सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो करने का, और सब वो फॉलो करते हैं। और हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट भी मैंने किया है, और अब तो पूरे इंडिया में हम लोग इसको बेच रहे हैं। तो IFS आपने बोला जो कि इंटरनेशनल फूड सिस्टम, FSSAI। FSSAI, ये इंडिया का जी हो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो ये नहीं मैंने सुना। ठीक हो हाँ, गया। इंडिया अच्छा, का है ये, इंडिया का है FSSAI। इंडिया के फूड सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भी हम FSSAI को फॉलो करते हैं, और FSSAI को फॉलो करने के साथ साथ हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ जितनी भी FSSAI की टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के अलावा कस्टम में एक और टेस्टिंग होती है, फाइटोकेमिकल टेस्टिंग, ताकि ये श्योरिटी मिले कस्टम वालों को कि इसके लिए मशरूम ही जा रहा है, मशरूम के साथ कोई पैथोजन दूसरी कंट्री नहीं जा रहा है। और वो ज्यादा महंगी नहीं होती, इंडियन करेंसी में भी तो 2-3 हज़ार रुपए की हमको कॉस्ट करती है, और हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोड्यूस। जबरदस्त जबरदस्त। कस्टम का बड़ा मसला होता है यहाँ जर्मनी में, कोलंबिया और ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनसे बनाना आता है, तो उसमें अक्सर वो ड्रग्स वगैरह भेज देते हैं, तो ये बड़ा कुछ जी, करते हैं लोग, तो जिस वजह से कस्टम इसीलिए वालों को थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। ठीक बिल्कुल। जी। अच्छा, इसमें एक एंड पे हमारी गुफ्तगू तो क्वेश्चन तो काफी जल्दी खत्म हो गए हैं, तो ट्रेनिंग के हवाले से जो है फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि ट्रेनिंग ऐसी मैं चाहता हूँ कि जो कि एक तो तीन तरह की, मैंने क्वेश्चन तो आपसे पहले ही मैं कर लिया था कि तीन तरह की हो। एक तो यह है कि बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नॉलेज नहीं है और जिनके पास पैसे, जिनको हम हॉबी ग्रोवर नहीं कहते, किचन गार्डनर, वो लोग जो कि इसको अपनी एज ए हॉबी करना चाहें, तो उनके लिए हम एक सेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे पेड हो, ताकि आपके टाइम का आपको डेफिनेटली उसका जो है वो उस हिसाब से हो। और दूसरा हम करेंगे जो थोड़े से लोग हैं जो इसको बिजनेस लेवल पे करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जिनके पास हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और तीसरा हम उसमें ये करेंगे कि जो इसको एज ए इंडस्ट्री थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं,
लेकिन बहुत बड़े, इतने बड़े पे नहीं कि 1 करोड़ या 2 करोड़, लेकिन यह है कि 2-4 लाख से तो 3 लेवल पे हम इसको कोर्स आपसे मिलके डिजाइन करेंगे। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल आपसे मजीद जो है इसकी एक्सपोर्ट के वाले से भी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं इधर ही हूँ तो जर्मनी में, तो मैं इसी से रेलवेंट ही काम करता हूँ, तो इस हवाले से भी आपसे पैसअप करेंगे, कोई ज्वाइंट वेंचर अगर हो सका तो हम देखेंगे कर सकें। तो जी, बिल्कुल आखिर में मैं बिल्कुल आपसे, टाइम तो हमारा 30-40 मिनट का तो टाइम तो ठीक हो गया है, आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, जो बॉयज गर्ल्स या जिस एज से भी लोग सुन रहे हैं, तो उनको अपनी अब तक की जो लाइफ एक्सपीरियंस है बिजनेस का या लाइफ का, तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहें कि लोगों को उस पर चाहिए। मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, देखिए हर कोई इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुली अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। और बस मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कभी ना पीपल शुड थिंक अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल, कि किस तरीके से हम लोग ना केवल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें बट वी शुड एनकरेज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और एक्चुअली क्या है कि पीपल आर लाइक सो सेल्फ सेंसर्ड ना, मतलब सेंटर्ड है कि अपना अपना काम होना चाहिए, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे बढ़ रहे, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आपके साथ में आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग, आपका स्टेट, आपका नेशन आपके साथ राइज करे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम सबकी सोच रहती है तो शायद जितना हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं और उस ब्लेम करने में इट्स लाइक एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वी शुड स्टार्ट टेकिंग एटलीस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, देन थिंकिंग अबाउट ब्लेमिंग सम अथॉरिटीज, सम गवर्नमेंट एक्स वाई जेड एंड ऑल, और ब्लेमिंग सम पर्सन। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ब्लेम करने से, गुस्सा होने से, बैठ के सोचने से कोई फायदा नहीं है। यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन का काम सोचने से ज्यादा करने में होना चाहिए। एनर्जी है, एज है, पावर है, एग्रेशन है, तो वो एग्रेशन को सोच सोच के वीडियो गेम में ना निकाले, उस एग्रेशन को आप फील्ड में लेकर आए, अपने काम में लेकर आए, और उस पैशन को आप लोगों को बताएं अपने काम के थ्रू। और अगर बहुत ही अच्छा होगा कि अगर वो जरिया आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एग्रेशन है, जो आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आए, जिससे कि सभी लोग आगे बढ़े। जैसे मैं आई एम इनटू दिस मशरूम कल्टीवेशन एंड आई एम यूजिंग दिस मशरूम एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल, बट इसमें कहीं ज्यादा आप इस चीज को समझिए, सिर्फ दिव्या रावत नहीं राइज कर रही है, दिव्या रावत के साथ उसकी स्टेट की जितनी महिलाएं हैं, जितने यूथ हैं जिनके पास रोजगार नहीं था, वो भी मेरे साथ बढ़ रहे हैं। भले बिल्कुल वो मेरे से, मैं जैसे 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 आगे बढ़ रही हूँ, वैसे 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 मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा आसपास की सोसाइटी, मेरा नेशन, माई स्टेट, एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग कि मैं जब बढ़ूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिविजुअल पर्सन। तो कहीं ना कहीं मैं यही चाहती हूँ कि सारे लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा जोर दें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। बहुत 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 अच्छा मैसेज दिया आपने कि अकेले तो सारे कामयाबी का सोचते हैं और लगन कोशिश सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों को साथ लेके चलना और उनको भी कामयाबी में हिस्सेदार बनाना और उनके साथ स्टेज शेयर करना, ये तो बड़ी बात है, बड़ी 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 अच्छी बात है। तो जी, ये तो थैंक खैर एक यू। सोशल सोशल वर्क भी है, और डेफिनेटली इसमें तो फिर सेटिस्फेक्शन लेवल भी होता है, अर्निंग तो चले एक मैटर होती है लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता है। और जहां तक आपने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो पहली स्टेज ये होती है कि आपने इंटरव्यू किया, फिर आपको आप इस लेवल पे आ गई है कि आप गवर्नमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं, आप अगर कुछ गवर्नमेंट से करना चाहते हैं आप करवा सकती हैं, आपका वो लेवल आ गया है। तो शुरू में ये होता है कि चंद लोग आपकी बात नहीं सुनते जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर चलते चलते वो मकाम आ जाता है कि यू आर अ ब्रांड, व्हाट यू से इज योर एडवर्टाइजमेंट एंड वी टॉक अबाउट यू एंड दैट इज सक्सेस।
सक्सेस एवरीबॉडी जी डियर लाइफ। तो इसके साथ ही हाजरीन और नाजरीन, मैं आप सबका मशकूर हूँ जिन्होंने ये सेशन देखा या जो फ्यूचर में देखेंगे इसकी रिकॉर्डेड वर्जन को। तो आप सब की तरफ से भी मैं अगेन दिव्या रावत, मिस दिव्या रावत का थैंक यू अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और बहुत से लोगों के लिए यकीनन ये एक मोटिवेशन होगा कि अगर दिव्या ये कर सकती हैं तो व्हाई नॉट यू पीपल, यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड दिव्या ने कहा है कि वो इसमें हमारी हेल्प भी करेंगी, जो लोग इंटरेस्टेड हों जो सीखना चाहें। तो हम जो है, क्योंकि वो सोशल एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट भी है, तो हम सोशली कोशिश करेंगे कि लोगों को अपलिफ्ट करें। तो सिर्फ जो है वो बिजनेस साइड जो है वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये अगर सोशली हेल्प करेंगे और जो जितनी ज्यादा गाइडलाइन हम लोगों की कर सकें वो करेंगे। तो इसके साथ ही मिस दिव्या मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी ऑफलाइन ना होइएगा, मैं जो है आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ऑडियंस से हम ऑफलाइन हो जाएंगे। तो ओके, आप ऑडियंस को गुड बाय कह सकती हैं। तो इसके साथ ही बाय।